सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सर सैम समीर, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सर सर सैम समीर, हेलो सर। समीर, यस सर। 2 मिनट हॉल में बैठो, मैं भी आता हूँ। ओके जी। समीर, राइट? यस सर। जानवी टोल्ड मी अबाउट यू। लुक समीर, आई हैव अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल एंड यूजुअली आई डोंट डू दिस, बट जानवी इज़ वेरी क्लोज टू मी, सो आई हैव मेड एन एक्सेप्शन फॉर यू। और वो कह रही थी कि तुम मेरे बहुत बड़े फ़ैन हो। सर इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? या श्योर। थैंक यू सर। सर सर आई एम ग्रेटली थैंकफुल टू बोथ यू एंड जानवी फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल। सर 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 आई नो योर शेड्यूल इज़ फुल्ली पैक्ड, एज बिजी एज हेल, लेकिन आई प्रॉमिस यू सर दिस इज़ गोना बी वर्थ इट। सर सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आपका बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने आपकी बुक द कैंसर मैन हजार बार पढ़ी है, लिटरली लाइक 1,000 times। अमेजिंग बुक, नेवर रेड एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, लिटरली 1,000 times। हाँ, इट्स लाइक अ लॉट। मुझे नहीं पता था मेरी किताब को इतनी बार भी पढ़ेगा। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी पूरी जिंदगी इस बुक में है। सर मैं आपको बता नहीं सकता, दिस बुक हैज इम्पैक्टेड मी सो डीपली। लेकिन सर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि एग्जैक्टली आफ्टर पेज नंबर 478 इन द स्टोरी देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज। 478, इंटरेस्टिंग, बता सकते हो क्यों? द थिंग इज सर, इन द स्टोरी अ मैन्स हार्ड लाइफ शोन सो ब्यूटिफुली इन द बुक, बट आई थिंक इवन दो ही डिजर्व्स अ हैप्पी एंडिंग, आई डोंट थिंक ही विल गेट इट। सी समीर, ये रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी नहीं है, आफ्टर ऑल इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन। लोगों को हैप्पी एंडिंग्स पसंद है, हेंस दिस बुक विच हैज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी डिजर्व्स अ हैप्पी एंडिंग, राइट? सॉरी बहुत है सर, सही बात है सर, आफ्टर ऑल ये आपकी स्टोरी है। सी समीर, आई वुड लव टू सिट एंड टॉक अबाउट दिस ऑल डे लॉन्ग,
बट मेरा स्केड्यूल सीरियसली सीरियसली बहुत बिजी है। जानवी बता रही थी कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तुम्हारी स्टोरी को लेकर। या या सर, आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट गॉट कम्प्लीटली कैरिड अवे विद ऑल दिस थिंग। एक सेकेंड, मुझे आपसे ये बताना था कि योर बुक हैज़ हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट माई लाइफ। सॉरी, मेरी मेरी स्टोरी है सर। वॉट इज दिस, मजाक है क्या? माई स्टोरी वॉट यू मीन? दीज आर जस्ट डॉट्स ड्रॉन ऑन अ पेपर। एग्जैक्टली सर, लेट मी एक्सप्लेन। सर, मुझे ऐसे स्टोरीज बहुत पसंद है वेर इन यू गिव क्लूज टू द ऑडियंस अबाउट वॉट्स हैपनिंग, बट इट डजेंट मेक सेंस टिल ऑल दीज क्लूज आर कनेक्टेड। दीज क्लूज आर द डॉट्स। इट इज ओनली आफ्टर वेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग दीज डॉट्स दैट विल ऑल मेक सेंस। एंड सर, राइट नाउ आई वॉन्ट यू टू बी माई ऑडियंस। Nice, huh? Very nice concept. But you have to tell me what the dots are at least. Yeah, of course, sir. Let's begin. A man is in the lift. He reaches his floor, unlocks the door to his house, locks one door, but leaves the secondary door unlocked by rotating the knob twice. This man, he has a bag in his hand, keeps the bag on the chair, goes to the toilet. Interesting. Very interesting. You don't mind me jotting down these points? Meri memory na thodi si weak hai. So I just write it down on my laptop. Sure, sir. If you don't mind. Yeah, sure. बट स्टिल समीर, ये पूरी स्टोरी थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ बस पार्ट्स हैं, और उसमें भी तुम मुझे बस पार्ट्स बता रहे हो। या यस सर, एग्जैक्टली। देखिए सर, मुझे पता है व्हाट हैपेंस नेक्स्ट एंड आई नो व्हाट हैज हैपेंड बिफोर, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हो व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज सर योर पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बट यू नीड टू फिल्म मी विद सम माइनर डिटेल्स। Like what? Like the person who's coming up. Who is he? What is he wearing? Is he holding the bag in his left hand or right hand? Basically, uska character kya hai? Hari hari sir, you're just completely overthinking this. Sir, he's just a normal guy. A normal, simple looking guy. A college going kid. Fair looking fellow. In his early 20s. Wearing a normal t-shirt and jeans. And he also has a polythene bag in his left hand. Okay, so the person who's entering the lift, that's the first dot. Yes, sir. और वो बंदा दरवाजे का नॉब दो बार टर्न करता है, that's the second dot, right? Hmm. फिर वो अपना बैग चेयर पे रखता है, that's the third dot. Yes, sir, exactly. और फिर वो टॉयलेट जाता है, that's the fourth dot. Exactly, sir. Precisely. तो वो बंदा दरवाजे का नॉब दो बार क्यों टर्न करता है? There has to be some reason, right? Sir, हो सकता है कि maybe he's expecting someone to enter his house, or maybe not. Okay, ठीक है, but I need to know what's the end game here. वो टॉयलेट में जाता है, फिर क्या? What's happening? Sorry sir, I forgot. नहीं, actually मैं भूला नहीं था. मैं ये सोच रहा था कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में बाद में बताऊं। दरअसल बात यह है कि वो बंदा टॉयलेट से बाहर आता है एंड ही सीज दैट जो चीज़ उसने उसकी थैली के अंदर रखी थी, इट्स मिसिंग। क्या था उसकी थैली में? नाउ दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। उसकी थैली में वर्ड्स थे। Words? क्या मतलब words? Words as in A, B, C, D, E, F, G, H, I. Words that we are talking right now. Which makes up a language. Words like Scrabble के blocks होते हैं, वैसे words या papers के cutout? No, nothing like that, sir.
जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वही कन्वर्सेशन के वर्ड्स को थैली में डाल दिया। नीदर एम आई राइटिंग इट नॉर एम आई रिकॉर्डिंग, उसी तरह इस थैली में भी वर्ड्स थे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई नीड टू स्टॉप यू राइट देयर। तुम ये इंडियन ऑडियंस के लिए लिख रहे हो, राइट? यस सर। इट्स वेरी फिलोसफिकल एंड आर्टिस्टिक, दे वोंट बाय दिस क्रैप। सर इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? व्हाट डू यू थिंक? इट्स वेरी एंगेजिंग एंड फ्रेश। फिर क्या सर, दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी। ओके चलो लेट्स कंटिन्यू। या सो दैट मस्ट मीन वन ऑफ टू थिंग्स, समवन केम इनटू द हाउस व्हाइल ही वाज इन द वॉश, यस सर, एंड स्टोल देम, और द गाय हु स्टोल द वर्ड्स वो बंदा अभी भी घर के अंदर है। इंटरेस्टिंग। क्या आई हैडन्ट थॉट दैट कि वो बंदा अभी भी घर में हो सकता। मैंने एक्चुअली ऐसा सोचा था कि वो द गाय स्टोल द वर्ड्स वुडन्ट स्टिल बी देयर। एनीवेज आई नीड टू एंटिसिपेट द क्लाइमैक्स इन एडवांस so that we can structure the story accordingly. Now, I want to know what happens when he finds the guy who stole it. It depends. On what? What do the words mean to him? Let's just assume that the words are his soul or a part of him. Let's just assume that the words are like blueprints to a nuclear weapon. And them being stolen is like the end of the world. Kya hua, sir? I doubt that. Why so? If it's really important to him, kya wo apne words thali mein rakhta? Baat to aapki sahi hai, sir. So, let's just imagine, instead of a bag, it's a suitcase. Well, in that case, there's only one possible way this story can end. Which is? Our guy, the protagonist, kills the guy who stole the words. How he kills him, that's a different thing, but to justify the story, it has to happen. Kill him? Are you sure? Based on the story, as far as you told me, the words seem very, very important to him. And our villain knows it. I personally think the end has to be dramatic. By killing him is the only way to give our protagonist a sense of justice. Oh, I hadn't thought of that way actually. Now that we know the climax, let's fill up the story. Yes, sir. If you don't mind, may I use your washroom? Yeah, sure. Yeah, so where were we? You're about to tell me what happens next. Oh yeah. So now, let's shake things up a bit. I lied. मतलब? I lied कि वो बंदा लिफ्ट से ऊपर आ रहा है. दरअसल वो अपनी कार चला रहा है. He is not entering his house. He is actually entering a Xerox shop. वो दो बार नॉब नहीं टर्न कर रहा, वो किसी चीज के दो कॉपीज बना रहा है। He gets a call and he has to leave in a hurry. So he leaves the copies right there, decides to come back later. लेकिन जब वो वहां आता है,
तो वो देखता है द कॉपीज आर राइट देयर, वो देखता है कि दैट देयर इज समथिंग समथिंग व्हिच इज गोइंग टू से exactly what I'm talking about. So now, tell me the full story. Stop fooling around, or else I'm gonna shoot you right in the head. That guy is you. तुम गाड़ी चला रहे थे. तुम ज़ेरॉक्स की शॉप पे रुके थे. दो कॉपीज बना रहे थे. यू गॉट अ कॉल एंड यू हैड टू लीव ड्यू टू सम रीजन. मुझे अपने एजेंट से कॉल आया था. ही सेड दैट समवन हैड ऑफर्ड टू पब्लिश माय बुक. आई नीडेड टू कॉपीज ऑफ दैट बुक, ऑफ दैट 478 पेज बुक. But I had to leave because I had to be there at the meeting. So I left the copies right there. Decided to come back later. लेकिन जब मैं वहां आया तो मुझे क्या मालूम था कि मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली है. I took the copies to register them, only to find out they had already been registered a few hours back. Strange. Don't you think so? Now imagine what it would feel like when someone steals your entire life in front of you. That they're becoming rich for it? For fame? Huh? Went to the police. Tried complaining them. Did everything. Nothing happened. They weren't ready to believe me. You know why? Because he'd already become famous. At times I wanted to kill myself. Kill myself thinking there's nothing left for me now. But there is always a way. Always a way. My one question to you. Tell me what happens next. Mujhe maaf kar do. Shut the fuck up! Connect! Fuck you. You're probably blind by watchman. You must have wiped out all the cameras. And now you're going to shoot me. And make my death look like a suicide. Telling the truth. Witches? I stole your book. Still can't see it, can you? You can't see what's right in front of your face? Huh? The answer is right here. I am the cancer man. It's not a work of fiction, you moron. It's my fucking life! You didn't just steal my book. You stole my life. I'm gonna die anyway. But I'm gonna make sure you
यू डाई बिफोर मी बिकॉज दैट्स द ओनली वे दिस स्टोरी कैन एंड। समीर समीर मेरी बात सुनो, मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता हूँ और सबको सच सच बता देता हूँ कि मैंने तुम्हारी किताब चुराई है। ठीक, अगर तुम मुझे मारोगे ना, पुलिस का कैच यू एनीवे, सब वेस्ट हो जाएगा। आई कैन मेक दिस ऑल गो अवे, राइट? आई डोंट गिव अ शिट द पुलिस कैच मी बिकॉज़ आई एम गोना किल माय सेल्फ बिफोर दैट। यू नो व्हाट, एक बार तो तूने मुझे बर्बाद कर ही दिया था, जी नहीं भरा कि दूसरी बार बर्बाद करने चला था साले हरामी। बताओ उस लैपटॉप में, बताओ उस लैपटॉप में है क्या? You surely would love to drink your coffee, don't you? Thanks. I lied.